इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने आज अंतरिक्ष में कामयाबी की एक और उड़ान भरी है। नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1I को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 1I यानी IRNSS-1I को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 4:04 पर लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के लिए PSLV XL वर्जन PSLV C41 का इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट लॉन्च पैड से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला यह 32वां PSLV मिशन है। IRNSS-1I सैटेलाइट IRNSS-1H की जगह लेगा, जिसकी लॉन्चिंग पिछले साल 31 अगस्त को नाकाम हो गई थी। IRNSS-1I अगले 10 साल तक अंतरिक्ष में काम करेगा। इसका वजन 1425 किलोग्राम है। इसे 1420 करोड़ रुपए में तैयार किया गया है। इसरो के नाविक सिस्टम के तहत लॉन्च किया गया IRNSS-1I सैटेलाइट मैप बनाने, समय का सटीक पता लगाने, नेविगेशन की पूरी जानकारी, समुद्री नेविगेशन के अलावा सैन्य क्षेत्र में मददगार होगा। मछुआरों को ज्यादा मछली वाले इलाकों के बारे में बताने के साथ ही खराब मौसम, हाई वेव्स और इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर के करीब पहुंचने की भी जानकारी मिलेगी। टुडे इज रियली अ वंडरफुल डे फॉर ऑल ऑफ अस एंड जस्ट नाउ वी हैव अचीव्ड अ प्रिसाइज मिशन ऑफ PSLV।